तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? कैसे आप? तो आई होप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है माइनक्राफ्ट। तो गाइस, यहां से आप सभी देख सकते हो, एक बार मैं फिर से हाजिर आप सभी के सामने एक वीडियो लेके। आप सभी को पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं। इस वाले चैनल पर मैं माइनक्राफ्ट से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर ही बात करता रहता हूं, जैसे मॉड्स, मैप्स रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें। तो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए ऐसा पैक लेके आ गया हूं, मतलब ये कमाल का पैक है। एंड आप सभी को पता है अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है विंटर, तो माइनक्राफ्ट को भी थोड़ा सा डेकोरेट करना तो बनता है ना। तो यार, इसकी वजह से आप पूरा डेकोरेट कर सकते हो एंड आप एक अलग सा मैप क्रिएट कर सकते हो। मतलब मैं समझाता हूँ कैसे। गाइस, आप सभी ने देखा होगा जैसे काफ़ी सारे एक ओशन, ओनली ओशन मैप आता है, उसमें ओनली ओशन होता है। एंड बैडलैंड्स का आता है, उसमें ओनली आप सभी को बैडलैंड्स मिलता है। डेजर्ट का आता है, उसमें सिर्फ डेजर्ट होता है, कुछ भी नहीं होता। तो अगर आप इसका यूज़ करोगे आइसक्राफ्ट का, ओके, तो यार इसमें ना सारा का सारा जो ओवरवर्ल्ड है ना वो बन जाता है आइस बायोम के जैसा। मतलब बहुत ही मज़ेदार दिखता है। एंड इसका लुक देखो, पूरा विंटर मैंने इसको लुक चेंज कर दिया पूरा, देख सकते हो यार कितना मज़ेदार लग रहा है ना। मैं कोई भी मैप ओपन करता हूँ, देखते हो वो मैप आपसे यू कैसे दिखने वाला है। वैसे पूरी तरह से चेंज लगने वाला है। एंड ये पैक इतना मज़ेदार है कि इसकी मदद से आप अलग से एक माइनक्राफ्ट खेल सकते हो। मतलब ओवर वर्ल्ड को अगर आप चेंज करोगे तो ऐसा लगेगा सर्दी आ गई माइनक्राफ्ट के अंदर, विंटर सीजन आ गया, ऐसा लगेगा। आप सभी देखना, अभी पूरा का पूरा ओवर वर्ल्ड यार पूरा का पूरा चेंज हो गया। एंड मैं देखने वाला हूँ क्या नेदर चेंज होगा, मुझे नहीं लगता होगा, बिकॉज नैदर में पॉसिबल नहीं है जो आप करना चाहते हो, इसलिए देखते हैं बस हो जाए यार। क्रिएट कितना टाइम लगता है यार माइनक्राफ्ट में, वर्ल्ड क्रिएट होने में भी कितना टाइम लगने लग गया। शिट भाई, इतना टाइम लगता है क्या? तो गाइस हो गया, अभी मैं बटन अपने हाइड कर रखे हैं, इनको मैं शो कर लेता हूँ। ओके, मैं जाऊँगा एंड इन बंद करके इसकी कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा कर दूँगा मैं। ठीक है गाइस, ओपन हो गया। ये क्या कर रहा है मेरे पास, छोड़ो उनको। तो गाइस देख सकते हो ओवर वर्ल्ड अपना पूरा का पूरा विंटर लुक आ गया, आइस बायोम बन गया, पूरा सब कुछ चेंज है। आप देख सकते हो यार ओशन तो कैसे चेंज होगा, आप सभी भी जानते हो यार। ओ ये क्या है, ये सैंड है। सैंड ऐसे कैसे लग रही है? सैंड को सर्दी हो गई ऐसा लग रहा है इसमें ना, सैंड को सर्दी हो गई। एक बार पहाड़ों के ऊपर जाके देखते हैं उनमें से आपको क्या देखने वाला है। तो भाई कितना मज़ेदार है यार, सब कुछ चेंज हो गया एंड कितना मज़ेदार लग रहा है। तो आप ऐसे भी प्ले कर सकते हो कि यार देख सकते हो मेरे माइनक्राफ्ट में सर्दी आ गई है चारों तरफ, देख सकते हो क्या है यार। हाँ, तो कैसे अभी नेदर में जाके देख लेते हैं, आई थिंक नहीं होगा मेरे को पूरा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ चेंज नहीं हो रहा है। फिर भी जा क्या रहा है हमारा देखने में, देख लेते हैं यार फटाफट। मेरा देखा यहाँ पर मैंने, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, इसको मैं कहता हूँ यहाँ पर बनाते हैं पोर्टल एंड पोर्टल की मदद से हम जाएंगे नेदर के अंदर। क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ भाई, बन गया पोर्टल, गिव द पोर्टल एंड आई एम गोइंग नेदर। देखते हैं गाइस नेदर में आप सभी को क्या ओवर वर्ल्ड जैसा वैसा नेदर मिलने वाला है, नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन फिर भी देखने में क्या ही जा रहा है मेरा, कुछ भी नहीं तो जा रहा भाई। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने लग गया इसको बनने में भी। शिट, ओके, नहीं हुआ यार, नेदर में चेंज नहीं होता। तो गाइस सर्दी आ रही है, आप भी यार सर्दी का मज़ा लो एंड माइनक्राफ्ट में भी सर्दी का लुक लेके आओ। एंड थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस होने वाला आप सभी को उसको प्ले करने में, क्योंकि यार कितना मज़ेदार लगने वाला आप सभी का वर्ल्ड, आप खुद देख सकते हो अपनी आँखों से, देख सकते हो चारों तरफ यार ऐसे बर्फ बर्फ दिखेगी। तो यार माइनक्राफ्ट थोड़ा अजीब नहीं लग रहा मेरे को लग रहा है। तो गाइस इसको डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसे आप लिंक भी क्लिक करोगे तो आप लिंक वर्टाइज की वेबसाइट पर पहुँचाओगे। वहाँ पर आपसे कुछ 4-5 सेकंड तक एक ऐड देखना है बस, आपसे फिर इसको मीडिया फायर का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यार मैं आप सभी को ऐसे ही कमाल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।